हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले हमें इस चैप्टर का, इस टॉपिक का बेस पता होना चाहिए, हम क्यों पढ़ रहे हैं। बच्चे, चैप्टर में पहले तो कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं जो हम पढ़ेंगे, उसके बाद इसके दो पार्ट आते हैं। एक आता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक आता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? क्वालिटी। अब इसका क्या मतलब है? क्वालिटी का मतलब होता है हमें ये ढूंढना कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है उसकी परसेंटेज क्या क्या है। एग्जाम्पल बताता हूं। मेजरली ये जो ब्रांच है, जो टॉपिक पढ़ने लगे हैं, आगे जाके ब्रांच बन जाएगी, ये बनेगी फॉरेंसिक रिसर्च। फॉरेंसिक रिसर्च क्या होता है? किसी की अनयूजुअल डेथ हो जाती है, पोस्टमार्टम किया जाता है, कोई एक्सप्लोजन हो जाता है, सैंपल्स इकट्ठे किए जाते हैं। पुलिस वाले, आप देखे होंगे, पुलिस वाले आते हैं, वो सैंपल्स इकट्ठे करते हैं, वो सैंपल लैब में भेज दिए जाते हैं। लैब के अंदर पहले ये चेक होता है कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट। एलिमेंट्स चेक होने के बाद उनकी परसेंटेजेस निकाली जाती है। कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ये है क्वालिटेटिव, क्वालिटी, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। फिर ये चेक किया जाता है कि वो कितने कितने प्रेजेंट हैं, दैट इज अ परसेंटेज, दैट इज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। फिर ये जब दोनों इंफॉर्मेशन मिल जाती हैं, फिर हम एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला मेथड लगाते हैं, हम उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाल देते हैं। फिर एक टेक्निक होती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी में तुम कोई भी कंपाउंड डालो, वो तुम्हें उसका मास बताएगी। इसे स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, इसे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तुम कोई भी कंपाउंड उसके अंदर डाल दो, मशीन होती है, उसमें डाल दो, मशीन उसकी उसके अंदर वेरिएशन चेक करके आपको ये बता देती है कि उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है। अब तुम्हें एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया, आपको अगर मॉलिक्यूलर मास पता हो तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल दोगे। जब आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल गया तो आपने वो कंपाउंड ढूंढ लिया जिसके कारण ये सारा कुछ हुआ था। अब किसी की डेथ हुई है तो पुलिस अपनी रिपोर्ट, इसने ना ये केमिकल खाया गया था या खिलाया गया था, तो पुलिस ढूंढती है केमिकल आया कहां से, कहीं ना कहीं सोर्स तक पहुंचे, किसी केमिस्ट से खरीदा गया होगा, किसी केमिस्ट ने बेचा होगा, उसने खुद खरीदा या किसी ने खरीद के डाला। अगर एक्सप्लोजन हुआ है तो एक्सप्लोजिव कई तरह के होते हैं। इन जितने भी एक मिलिटेंट ग्रुप्स होते हैं, इनकी अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं। कोई एक्स एक्सप्लोजिव एक्सप्लोजन यूज करता है, कोई वाई, कोई जेड। फिर वो चेक करते हैं कि एक्सप्लोजन जो हुआ कौन सी मिलिटेंट ग्रुप यूज करता है, फिर इतना एक्सप्लोजिव आया कहां से, मटेरियल कहां से आया, किसी ना किसी ने बेचा होगा, किसी ना किसी ने खरीदा होगा, जो खरीदा होगा बेचा होगा किसी कैमरे में आया होगा, वो धीरे धीरे फिर उसका फोन नंबर ये वो करते 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 वो बंदे को पकड़ लेते हैं। तो ये जो ब्रांच है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अगर ब्रीफ में बोले तो एक सीरियल आता था CID, उसके अंदर जो डॉक्टर होता था वो ये है,
ये वो वाला टॉपिक। तो अगर आप फॉरेंसिक रिसर्च में जाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड ये कोई भी काम करना चाहते हैं, तो ये वो चैप्टर है। यू गॉट द पॉइंट कि इस टॉपिक का मीनिंग क्या है, हमारा मोटिव क्या है। अगर हमें ये बताओ कि हम चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, उसके फायदे बताओ, तो हमें वो चैप्टर ज्यादा अच्छा समझ आता है। तो ये फायदा मैंने इसलिए आपको बताया। कुछ चीजें मार्क्स नहीं होती, कुछ चीजें अंडरस्टैंडिंग होती। ये अंडरस्टैंडिंग है। तो आइए पहले हम कुछ बेसिक टेक्निक समझेंगे, फिर किस पे जाएंगे हम, क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड देन क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो सबसे पहले आता है सबलिमेशन। क्या आता है? सबलिमेशन। अब सबलिमेशन क्या होता है? सबलिमेशन इज अ टेक्निक इन विच देर आर सम सब्सटेंसेस विच डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैशियस स्टेट, सॉलिड टू गैशियस डायरेक्टली, वो लिक्विड नहीं बनते। सब्लिमेशन उन चीजों के लिए यूज किया जाता है जो सॉलिड से गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है। आप बताइए कोई ऐसी चीज जो आपको पता हो सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती काम पर कैम्फर। यस, कैम्फर इज अ सब्सटेंस विच डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू सॉलिड टू गैस। नेफ्थलीन बॉल्स। इंटेंसिव यस, वेरी गुड। और तो ये वो सब्सटेंसेस हैं जो डायरेक्टली, अब हम नेफ्थलीन बॉल्स टॉयलेट में रखते हैं, वो दो तरह से गायब हो जाती है। एक तो सॉलिड से गैस बन जाती है, कईयों को उसकी स्मेल बड़ी अच्छी लगती है, उठा के ले जाते हैं। आप तो नहीं है उनमें से कि सर हम डायरेक्टली नहीं उठा के लेके जाते, आराम से बैग वैग में डाल के लेके जाते। तो आपने वो भी देखा होगा, ऑर्डरलिन करके हम घरों में लगा देते हैं। मेरी मैं कभी ज्यादा खरीदते नहीं जाता, खुराना में हम खरीदते हैं। तो मैं तो एक एग्जाम्पल दिया, शायद आपके घरों में भी यूज होता हो। तो वो भी क्या होता है? सब्लिमेट होता है। क्या होता है? सब्लिमेट। आइए अब हम बताते हैं कैसे वो वर्क करता है। अब सब्लिमेशन में क्या होता है, एक इस तरह से स्टैंड है, एक स्टैंड है, लेट इट बी स्टैंड है। इसके नीचे बर्नर है, और ये इसको फायर दे रहा है। ये फायर है, अब इसके ऊपर एक कोई ग्लास का कुछ इस तरह से कंटेनर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर कॉनिकल फ्लास्क रख दी गई है। ये कॉनिकल फ्लास्क है, यू नो व्हाट इज कॉनिकल फ्लास्क? ये कॉनिकल फ्लास्क है आपकी, जिसके ऊपर रख दी गई है, और इसके अंदर के साइड फिल्टर पेपर लगा दिया गया। क्या लगा दिया गया? फिल्टर पेपर। लेट अस सपोज हम ये ले लेते हैं, ये इसके अंदर की तरफ
ये फिल्टर पेपर लगा हुआ है, ये कलर चेंज कर देते हैं, विजिबल नहीं हो रहा, हम इसको रेड कलर का कर देते हैं। रेड सिर्फ इसलिए दिया गया आपको विजिबल हो जाए, ये फिल्टर पेपर है रेड कलर, दिस इज फिल्टर पेपर, ये अंदर की तरफ लगाया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगाया जाता है। यस, ये पेपर लिया हमने, दिस अ पेपर, पेपर को पहले एक बार फोल्ड करना है। आ जाओ बेटा, ये हमने पेपर फोल्ड कर लिया, एक बार फिर पेपर फोल्ड करना है। हमने दो बार पेपर को क्या कर दिया, फोल्ड कर, दो बार पेपर फोल्ड हो गया। अब इसमें टोटल चार फ्लैप्स बन गए, अगर आप काउंट करेंगे तो चार है, कैन यू काउंट, इट इज फोर। तीन एक साइड पे कर देने हैं, एक एक साइड पे कर लाइक दिस, तो एक कोन बन जाएगा, कैन यू सी द कोन। ये कॉनिकल फ्लास्क के अंदर लगा दे, अंदर की साइड एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर लगा दे। फिर से एक पेपर लिया, दो बार बंद किया, एक और दो बार, दो बार बंद करने के बाद आपने क्या करना है, इसको तीन पेपर्स को एक साइड पे, एक पेपर को एक साइड, इस तरह ये क्या बन गया, एक कोन की तरह बन गया, बन गया कोन की तरह। ये फिल्टर पेपर के अंदर ऐसे लगा दे, बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाएगा। अब आप इस डायग्राम पे आए, ये समझ आया कैसे लगाया हुआ, अब ये इसके अंदर लगा दिया गया। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके नीचे मटेरियल है, यहां पे मटेरियल पड़ा हुआ है, ये प्योरिफिकेशन है, इसका मतलब इसमें दो चीजों से, दो या दो से ज्यादा चीजें हैं, एक जो एलिमेंट जो चीज हमें चाहिए, दूसरी इंप्योरिटी, क्या इंप्योरिटी। अब जैसे वाटर एंड सैंड होता है, सैंड इज अ इंप्योरिटी, अगर वाटर और सैंड मिक्स है तो आप क्या करेंगे, फिल्टराइजेशन कर देंगे, पानी अलग हो जाएगा एंड सैंड अलग हो जाएगी। आपके घर प्यूरिफायर्स लगे हुए हैं, अब प्यूरिफायर्स क्या होते हैं, प्यूरिफायर के दो काम होते हैं, एक तो जितनी मिट्टी आ रही है वो निकल जाए, जितने उसमें बैक्टीरिया फंगस वायरस मैक्सिमम जितने निकल सके वो निकल जाए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक छोटा सा काम किया, उन्होंने उसके अंदर एक थिक पेपर ले लिया और उसके अंदर, उस पेपर के अंदर होल्स हैं, होल जो सबसे छोटा होता है ना वो वायरस होता है। उन्होंने चेक कर लिया एग्जाम्पल के तौर पे कि जी वायरस 25 पिकोमीटर का होता है, तो उन्होंने सारे होल्स ना 20 पिकोमीटर के कर, बैक्टीरिया भी इससे बड़ा है, फंगस भी इससे बड़ा है, डस्ट भी इससे बड़ी है, सैंड भी इससे बड़ा है, उन्होंने सबसे छोटी चीज ढूंढ ली, कितना एग्जाम्पल दे रहा हूं 25 पिकोमीटर। अब उन्होंने क्या किया, जब पानी आएगा उसमें से निकाला जाएगा, होल साइज क्या है, अब उसमें सारे स्टक हो जाएंगे, आपको पानी साफ होके मिल जाएगा। अब क्योंकि पेपर उसको रोक, पानी के फ्लो को रोकेगा तो प्रेशर चाहिए, वो हमने इलेक्ट्रिसिटी से प्रोवाइड कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी से एक मोटर लगा दी जो पानी को क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। आप ऐसे समझिए ना, जब चाय पीते हैं चाय पत्ती निकाल देते हैं छाननी से, कैसे निकालते हैं, आप ऊपर से चाय डालते हैं, छाननी क्या करती है, चाय को जाने देती है और पत्ती को रोक लेती है, सेम।
ये सारा फिल्टर पेपर उसी में काम चल रहा है। तो ये भी वही है। अब हमने क्या किया, नीचे क्या है, इम्प्योर, इम्प्योर क्या है, इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इम्प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड। हीट करेंगे, ये टेक्निक सिर्फ तब लगाई जाएगी जब या तो इम्प्योरिटी सब्लिमेट हो जाए। देखो दो चीजों को अलग करना है, या तो इम्प्योरिटी क्या हो जाए, सब्लिमेट हो जाए, या ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्लिमेट हो जाए। जनरली वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड सब्लिमेट होता है। मान लीजिए इसमें कैम्फर है, कैम्फर को क्या कर दिया गया, कैम्फर को क्या कर दिया गया, हीटिंग की, वो सब्लिमेट हो गया, सब्लिमेट होकर ऊपर आएगा। ऊपर क्या है, पेपर, पेपर से जब वो टकराएगा, पेपर ठंडा है, वेपर्स गर्म है, वेपर गर्म है, पेपर जब उससे जाके टकराएगा तो वो कंडेंस हो जाएगा। कैम्फर किस पे जाके कंडेंस हो गया, फिल्टर पेपर पे। हम इसको होने देंगे, 10-15-20 मिनट प्रोसेस चलता रहा, उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद हम क्या करेंगे, हम बहुत केयरफुली, हम बहुत केयरफुली उस फिल्टर पेपर को निकाल लेंगे। उस फिल्टर पेपर को हमने निकाल लिया, हम उसके नीचे एक प्लेट रख देंगे, जैसे ये कार्डबोर्ड है, हमने प्लेट रख दिया, हमने इसको खोला और इसको नॉक किया। नॉक करने से क्या होगा, जो कंडेंस, जो सबली कंडेंस हो गया था, सबलिमिटेड कंपाउंड, वो फॉल कर जाएगा, फिजिक्स में बड़ा होगा। जब हम किसी भी चीज को, पिल्लो को, या हमारे नीचे जो क्या कहते हैं फुटमैट्स होते हैं, उनको जोर जोर से डंडे से मारते हैं, तो क्या होता है, डस्ट गिरती है। विच फिनोमिना, इनर्शिया। जो चीज रेस्ट पे, वो रेस्ट पे, जब डंडा मारा तो मैट आगे हो जाता है, डस्ट नीचे गिर जाती है। ऐसे जब हम इसको लॉक करेंगे तो क्या होगा, पेपर आगे हो जाएगा, पार्टिकल्स, हमने दोनों को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ये कौन सा प्रोसेस है, बोलिए, क्या सबको सब्लिमेशन प्रोसेस क्लियर हो गया है, तो जल्दी से डायग्राम बना लीजिए, जल्दी से डायग्राम बना। There are certain compounds. There are certain compounds which directly converts, solids into vapors. On heating. This process is called sublimation. Excuse example. Me, sir. Yes, beta. Sir, can you repeat directly converts? Directly converts from solid to gaseous. Solid to gaseous on heating. This process is called sublimation. Example, naphthalene, camphor,
naphthalene and camphor. Naphthalene and camphor. अब आपने जैसे दो एग्जाम्पल याद कर लिए, नैप्थलीन एंड कैम्फर. जब आप पढ़ते हो तो आप कितने एग्जाम्पल खुद ऐड कर सकते हो ये आपके ऊपर. ठीक है, अगर पेपर में प्रोसेस आएगा तो लिख लोगे कि वो भी लिखवा दूं, लिख लोगे. चलिए अब हम आगे चल रहे हैं. नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन. नेक्स्ट है क्रिस्टलाइजेशन. अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता? ये एक जनरली हम हमें जो करवाया जाता है कॉपर सल्फेट के लिए करवाया जाता है. इसमें हम पहले क्या करते हैं, सुनिए, हम डिस्टिल्ड वाटर लेते हैं. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल वाटर एंड डिस्टिल्ड वाटर? नॉर्मल वाटर है सॉल्ट्स. ये जो नॉर्मल वाटर हम घर पे पीते हैं, या तो ये ग्राउंड वाटर होता है, ग्राउंड में से निकालते हैं, एंड देन ये पाइप्स के थ्रू हमारे घर पे आ जाते हैं. बहुत बड़ी बड़ी मोटर्स लगी हुई हैं, उन्होंने पानी डक किया हुआ है, वो मोटर ऑन करते हैं, वो डगिंग वाटर ऊपर आ जाता है एंड वो सारे घरों में सेंड कर दिया जाता है. या वो रिवर वाटर होता है, लाइक आसपास से कोई रिवर जा रही है, उन्होंने पाइप्स डाल दी है रिवर के साथ एंड वो वाटर हमारे पास आ जाता है. लाइक सनिंग क्लेम में तो मैं कहूंगा यहाँ पे जनरली ग्राउंड वाटर आता है. ठीक है, थोड़े थोड़े एरियाज में हमने क्या किया हुआ है, मोटर्स लगाई हुई है, डक किया हुआ है. डक से वो क्या करते हैं, हर सुबह शाम उठ के वो मोटर ऑन कर देते हैं. बड़ी हैवी मोटर्स होती है और वो मोटर क्या करती है, ग्राउंड वाटर निकाल के हमें पाइप्स पे घर में भेज देते. जो मोहाली है, मोहाली में उन्होंने वाटर वर्क्स बनाए हुए हैं, वहां पे मोटर भी चलती है, वहां पे रिवर वाटर भी आता है. आसपास की उन्होंने कोई रिवर ढूंढ ली, रिवर के साथ उन्होंने पाइप्स डाल दी है. अब वो क्या करते हैं, सारा वो रिवर वाटर कहाँ इकट्ठा हो जाता है, वाटर वर्क्स के बड़े बड़े टैंक्स होते हैं. ठीक है, वो थोड़ा प्रोसेस कर लेते हैं, उसके अंदर क्लोरीन डाल देते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाए, एंड छोटा मोटा प्रोसेस करके वो पाइप्स में डाल के हमें सेंड कर देते. तो कई बार आपने देखा होगा पानी के अंदर क्लोरीन गैस भी आ रही होती है, मोहाली में अक्सर आती. और कई बार आपने देखा होगा यहाँ के पानी का टेस्ट अलग है, आप लुधियाना पटियाला जलंधर चले जाओगे वहां के पानी का टेस्ट अलग होता है. क्यों? इस एरिया के सॉल्ट वाटर अलग है, सॉल्ट एंड वाटर डिफरेंट है. उधर की जो वाटर है उसके सॉल्ट कंटेंट्स डिफरेंट. जो रोज पीते हैं उन्हें पता नहीं चलता, जब हम सिटी बदलते हैं तो फर्क पता चलता है कि टेस्ट में फर्क आया. तो अब है क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन मींस प्योरिटी, हमें उसको प्योर करना है. हमें जो लैब के अंदर कॉपर सल्फेट दिया गया वो उतना प्योर नहीं था, हमें उसका प्योरिटी लेवल बढ़ाना है. सर देयर आर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स. एक होता है जो हम स्कूल लेवल पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उनके जो केमिकल है वो 99% प्योर हो सकते हैं, 99.5% प्योर हो सकते हैं. कुछ होते हैं इंडस्ट्रीज के, वो 99.9 हो सकते हैं. स्कूल्स में हम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं तो उनकी प्योरिटी लेवल 99% हो सकती है. इंडस्ट्री में जब हम काम करते हैं तो वो 99.5 हो सकता है. जब हम मेडिसिन भी आ जाते हैं लाइक डॉक्टर्स लैब्स, तो वहां 99.9 या 100% प्योर भी हो, वहां पे इम्प्योरिटी इज डेंजरस. तो आप मान लीजिए आपके पास जो कॉपर सल्फेट आया वो 99% प्योर है,
आप उसका प्योरिटी लेवल बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट लेंगे, उसको पानी के अंदर डिसॉल्व कर देंगे। पानी के अंदर डिसॉल्व करने के बाद उसको हीट करेंगे। हीटिंग से सॉल्युबिलिटी और भी अच्छी हो जाती है। आपको मालूम है हीटिंग से चीजें ज्यादा डिसॉल्व होती हैं। चीनी ठंडे पानी में कम डिसॉल्व होती है, गर्म पानी में ज्यादा डिसॉल्व, जैसे चाशनी कहते हैं। ऐसे पानी को गर्म कर दिया गया, गर्म करने से क्या हुआ, कॉपर सल्फेट अब हम पूरा डिसॉल्व हो गया। फिर वो क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, ये बीकर लिया गया, बीकर में एक कॉनिकल फ्लास्क लगा दिया गया, इस तरह से अंदर की तरफ क्या रख दिया गया, ये कॉनिकल फ्लास्क रख दिया गया, इसके अंदर फिल्टर पेपर लगा दिया गया, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया कि इसके अंदर क्या रख देना है, फिल्टर पेपर बड़ा यूज होता है। इसके अंदर यहां क्या लगा दिया गया, फिल्टर पेपर लगा दिया गया अंदर की साइड पे। ये कॉनिकल फ्लास्क की ओपनिंग है नीचे की तरफ से। अब जब हम इसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, हम पानी डाल रहे हैं इसमें, क्या मिक्स है इसके अंदर, इसके अंदर क्या मिक्स है, वाटर एंड कॉपर सल्फेट हमने इसके अंदर डाल दिया। अब जो भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे, जो भी इंप्योरिटीज हैं, वो किसमें स्टक हो जाएंगी, फिल्टर पेपर में। अब हमें डिजॉल्व कॉपर सल्फेट मिल गया, क्या मिल गया, डिजॉल्व कॉपर सल्फेट। अब हम स्टैंड के ऊपर चाइना डिश लेंगे या आप कोई भी चीज ले लीजिए, इस पर आप हीटिंग कर सकते हैं। जनरली वो चाइना डिश होती है, यू नो व्हाट इज चाइना डिश, जो क्ले वाला मटेरियल से हीटिंग सब्सटेंसेस बने होते हैं, कुछ हद तक हमारे डिनर प्लेट्स भी वैसी आती हैं, वो हीटिंग से टूटती नहीं, और उसका जो फेस होता है बहुत बड़ा होता है, मतलब ऊपर का जो माउथ है वो बहुत बड़ा हो, कोली की तरह है, पर वो क्ले से बना हुआ है, सेरेमिक्स कह सकते हैं। हमने उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा हीट कर दिया, हीट करने के बाद हमने उसको रख दिया। सारे यहां ध्यान दीजिए, तो हमने उसको क्या किया, हीटिंग करने के बाद रख दिया, पर ट्राई करें रखने के बाद उसे डिस्टर्ब ना करें। एक बार फिर से सुनिए, पानी के अंदर क्या, शिवेन जी यहां ध्यान दीजिए, आपने क्या किया, सबसे पहले आपने कॉपर सल्फेट लिया, उसको पानी में डिसॉल्व किया, पानी में डिसॉल्व करने के बाद किससे पास कर दिया, फिल्टर पेपर से। फिल्टर पेपर ने क्या किया, फिल्टर पेपर ने क्या किया, इंप्योरिटीज फिल्टर पेपर स्टक हो गई। फिर हमने उसको थोड़ा सा हीट कर दिया, हीट करने के बाद उसे चाइना डिश में डाल के रख दिया, और ऐसी जगह रखा जो कोई डिस्टर्ब ना हो, कहीं छुपा के कहीं साइड पे रख दिया। अब उसमें से पानी इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, पानी जब उसमें से इवेपोरेट होगा, इवेपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस, धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स अपने आप को अरेंज करेंगे, एंड इट कैन टेक अप टू 1 वीक। 1 वीक के बाद अगर हमने इसको डिस्टर्ब नहीं किया है, तो कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। कॉपर सल्फेट के क्या बन जाएंगे,
मॉलिक्यूल्स को एक हफ्ता मिला है अरेंज होने के लिए, वो अपने आप अरेंज हो के सॉलिडिफाई होंगे, तो एक हफ्ते के बाद आप देखेंगे कि कॉपर सल्फेट के क्या बन गए हैं, क्रिस्टल। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। आपको जो कॉपर सल्फेट लैब लैब में मिलता है, लैब के जो बॉक्सेस, लैब में जो केमिकल बॉक्सेस होते हैं उसमें वो पाउडर होता है। आपने पाउडर को क्या बना दिया है? क्रिस्टल्स बना दिए। कैसे बनाया? स्लो एवेपोरेशन से। मॉलिक्यूल्स को क्या मिला है? टाइम मिला है अपने आप को अरेंज करने का। जब भी आप स्लोली करेंगे तो क्रिस्टल्स बनेंगे। अगर आप सडन कूलिंग कर देंगे, आपने पानी को गर्म कर करके कर सारा पानी उड़ा दिया, चल आप पानी तो हीटिंग से 5 मिनट में उड़ा सकते हैं, इवेपोरेट करा सकते हैं, तो हीटिंग इज अ फास्ट प्रोसेस, इवेपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस, नॉर्मल इवेपोरेशन, नॉट बाय हीटिंग। अगर आपने हीटिंग से उसको क्या किया, इवेपोरेट किया, तो क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे। मॉलिक्यूल्स को क्या नहीं मिला? टाइम नहीं मिला सेटल होने का। आपने उसको क्या कर दिया? उसको बड़ा टाइम दिया, एक हफ्ता दिया सेटल होने के लिए, तो क्या बन गए? क्रिस्टल्स बन गए। क्या बन गए? क्रिस्टलाइजेशन। इम्प्योर सॉल्ट लिया, पानी में डिजोल्व किया, थोड़ी सी हीटिंग की, जस्ट बॉयल हो जाए, बॉयल होने के बाद उसको किसमें से पास कर दिया, उसकी फिल्ट्रेशन कर ली, फिल्ट्रेशन करके उसको चाइना डिश में इवेपोरेशन के लिए छोड़ दिया, इवेपोरेशन के लिए छोड़ दिया। एंड आफ्टर 1 वीक, बिकॉज इवेपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस, हमें क्या पता, हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि उस सब्सटेंस के क्या बन गए? क्रिस्टल्स बन गए। अब उसमें से इंप्योरिटी सारी निकल गई है, हमने क्रिस्टल बना दिए। दिस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। दिस कॉल्ड, बोलिए समझ आया है? आई इसको लिखेंगे, हेडिंग लिखो क्रिस्टलाइजेशन। टेक अ सॉल्ट व्हिच इज नॉट प्योर। टेक अ सॉल्ट करके लिखो, दैट इज नॉट प्योर या विच इज नॉट प्योर, डिजॉल्व इन वॉटर, एंड एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर, पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। To clear impurities, to clear solid impurities, to clear solid impurities, to clear solid impurities, and boil the solution a little bit. And then pour the solution in a China dish. In a China dish for evaporation full stop. Evaporation can take days, evaporation can take number of days.
evaporation can take a number of days. Do not disturb the solution so that molecules can arrange themselves in some specific manner to form crystals. Example, copper sulfate crystals are formed by this technique. अब ये जो दो डायग्राम इसके सामने बने हुए हैं या बना रहे डिस्टिलेशन पहले हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल डिस्टिलेशन. अब डिस्टिलेशन में क्या है, दो चीजें मिक्स हुई हैं. एग्जांपल के तौर पे हम वाटर एंड अल्कोहल ही ले लेते हैं. वाटर एंड अल्कोहल मिक्स हुआ. चलिए मैं अल्कोहल नहीं लेता, हो सकता है सुबह सुबह आपकी फीलिंग जाग जाए. दो लिक्विड हैं, ए जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 60 डिग्री, बी जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री. ये बॉइलिंग पॉइंट है. अब ये दो चीजें मिक्स हैं, हमें इन्हें सेपरेट करना. डिस्टिलेशन वहां लगाई जाती है जहां पे दोनों लिक्विड हों, दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व हो रहे हों और दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में मिनिमम 30 डिग्री से ज्यादा का डिफरेंस हो. कंडीशन है डिस्टिलेशन करने की. कौन कौन सी कंडीशन है, ए और बी एक दूसरे में डिसॉल्व होते हों, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस और दोनों लिक्विड भी हो, तब क्या लगाई जाती है. बोलिए समझ आ गया. कार्तिक जी बताएंगे कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन तब की जाती है जब दो ऐसे लिक्विड्स हों जो आपस में डिसॉल्व हो जाएं, पहला. दूसरा, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में मिनिमम डिफरेंस 30 डिग्री. ये दो कंडीशन तो आपको याद रखनी पड़ेगी, तब हम क्या लगा सकते हैं. क्या कंडीशन है सर. दोनों लिक्विड्स हो तो और भी अच्छा है. बोलिए समझ आ गया. अब दोनों ऑलरेडी डिसॉल्व्ड हैं, हमें उन्हें सेपरेट करना. आप सोच रहे होंगे फिर दोनों मिक्स क्यों होते हैं. दोनों मिक्स नहीं होते, जब उनकी फॉर्मेशन होती है वो ऑलरेडी मिक्स्ड होते हैं, हमें उन्हें सेपरेट आउट करना. एग्जाम्पल के तौर पे फर्मेंटेशन, जब अल्कोहल बनाई जाती है, अल्कोहल जो है वो जो गन्ने का बुरादा होता है, गन्ने का रस निकाल लिया, जो बुरादा बच गया उससे बनती है. अब उसमें पानी डाल दो, फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाती है और वो बन जाती है. इतनी आसान भी नहीं होती, जैसे एग्जांपल समझा रहा हूं. आज घर जाके बनाने लग पड़े. तो
आपने फर्मेंटेशन से अल्कोहल बना ली, अब अल्कोहल जब बनी तो उसमें पानी ऑलरेडी प्रेजेंट था, अब आप उसे सेपरेट करना चाहते हैं, ये डिस्टिलेशन हो रही है जब हम सेपरेट कर। अब एक बच्चा आप में से पूछेगा, सर पहले हम सेपरेट करते हैं फिर उसमें पानी मिला के पी लेते हैं, पानी निकाला ही क्यों था? ये पूछना चाहेंगे बेटा, पानी इसलिए निकाला था, पहले प्योरिटी लेवल 1%, 2%, 5% था। आपके घर पे जो बॉटल आती है कौन सी ब्रांड की आती है? अलग ही ब्रांड्स की आती है, पापा काफी अलग अलग ब्रांड चूज करते हैं, ऐसा आपने भी बोला। तो जो भी घर पे अल्कोहल आती है, चाहे वो रॉयल चैलेंज आती हो, ब्लैक डॉग आती हो, अच्छा रेड डॉग भी होती है, तो नहीं सर रेड लेबल कह रहे हो, तो उन सब में जो अल्कोहल कंटेंट होता है, इन सब विस्की हो गई, बियर हो गई, रम हो गई, जो भी आप ब्रांड लेते हैं, इनमें अल्कोहल कंटेंट होता है 42.4%। ये स्टैंडर्ड है, कितना होता है? जब भी चेक करना हो कंटेंट, फर्नीचर ने करेक्ट बताया, पीने से पहले चेक करना है, पीने के बाद इतना छोटा लिखा होगा पढ़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आज नहीं, अब पीने के बाद चेक करें दिख नहीं रहा, पहले चेक करिए आपको मिल जाएगा। तो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है क्या कि 42.4% होनी है, जब बना रहे हैं वो कितनी है? 1-5%। तो पहले हम अल्कोहल अलग करनी है, फिर इंडस्ट्री डिसाइड करेगी किसमें कितना डालना है, तो उस सेपरेशन को क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन। अब हमने ये जो आरबी फ्लास्क दिख रहा है, इसमें इसमें हमने ये रिबेटरी फ्लास्क करके इसका नाम होता है, ये हमने इसके अंदर ये दोनों मिक्सचर डाल दी, ए और बी। क्या डाल दिए? नीचे से हीटिंग स्टार्ट कर दी, लास्ट में जो बैठे ध्यान दीजिए सर, हमने ए और बी दोनों मिक्स करके डले हुए हैं, हम इसको हीटिंग कर, इसमें थर्मामीटर भी लगा होता है। अब आप बताइए बॉयल कौन पहले करेगा सर? बॉइलिंग किसका? मुझे मालूम नहीं, ए का कि बी का? पॉइंट ए का बॉइलिंग पॉइंट 60 है, बी का 100 है, हमने हीटिंग स्टार्ट कर दी। हीटिंग तब तक करनी है जब तक जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम नहीं, कम है वो अचीव हो जाए, हम 60 के बाद बॉइलिंग नहीं करेंगे। अब 60 पे जब 60 डिग्री तक हम बॉइल कर गए, अब क्या होगा? वेपर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? किसके? बस ए के बी के? ये दोनों के। हम्म। इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स, वेफर तो दोनों के बने, ए के भी बनेंगे और बी के भी, बट ए के ज्यादा बनेंगे बी के कम बनेंगे। जिसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया, जिसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया उसके वेपर ज्यादा बनेंगे। अभी बी का बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं हुआ इसलिए उसके वेपर्स कम बने। अब दोनों ऊपर जा रहे हैं, ए के वेपर ज्यादा हैं, बी के वेपर जब ऊपर जा रहे हैं, ऊपर टेम्परेचर कम हो रहा है, अब हीटिंग से दूर जा रहा है, जैसे जैसे वेपर ऊपर जाएंगे हीटिंग से कहां जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो क्या हुआ? टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, 58, 57, 56, 55, 54 कम होता जाएगा। अब टेम्परेचर कम हो रहा है, पहले कौन कंडेंस होगा? ए के बी? बी, वो पहले दूर था अब और दूर हो गया। सर ये
ये छोटी छोटी चीजें वहां जाके समझ नहीं आती, वो लोग दिमाग खपाते रहते हैं। लिख तो आते हैं पर उन्हें पता नहीं होता प्रोसेस क्या चल रहा है। देखो मैं लिखाऊंगा, 4 में से 3.5 नंबर मिल भी जाएंगे, पर दिल को बता दो यार समझ नहीं आया हुआ क्या। आपने वही डायग्राम बना दिया, घिसा घिसीपिटी लैंग्वेज लिख डाली, टीचर ने देखा यार ठीक है लिख डाला, चलो 4 में से 3, 4 में से 3.5। पर जब क्वेश्चन पेपर कंपटीशन में आएगा वो विद एग्जांपल पूछेगा ए बी ए, उसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें क्या क्लियर नहीं था, प्रोसेस क्लियर नहीं था। कॉम्पिटिशन में स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा, बोर्ड में जनरल क्वेश्चन आएगा, बोर्ड में मार नहीं खाओगे, कंपटीशन में मार खाओगे, तुम्हें कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ। सर बोर्ड में तो मैक्सिमम बच्चों के 90, 80, 70 लाके देने हैं उन्होंने, कंपटीशन में तो उन्होंने सबको ऑब्सोल्यूट करना निकालना है, बड़े स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं वहां। बोर्ड में स्कूल में आएगा व्हाट इज डिस्टिलेशन, राइट द प्रोसेस, किसी को 4 मिल रहे हैं, किसी को 3.5, किसी को 3। कॉम्पिटिशन में तो स्पेसिफिक क्वेश्चन, -1 गलत के लिए, 0 नॉन अटेम्प्टेड के लिए, 4 करेक्ट के लिए, बस नहीं ऑप्शन। फिर सुनिए, ए और बी को मिक्स किया गया, ए का बॉइलिंग पॉइंट 60, बी का बॉइलिंग पॉइंट 100, कौन पहले बॉइल करेगा? वेपर किसके बनेंगे, ए के बी के? पर ए के ज्यादा, क्योंकि ए का बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो चुका है, बी का बॉइलिंग पॉइंट अभी अचीव नहीं हुआ। अब ऊपर जा रहे हैं, इसको नेक बोलते हैं, नेक के थ्रू ऊपर जा रहे हैं, गर्दन है ना ये, गर्दन के थ्रू ऊपर जा रहे हैं, नेक के थ्रू ऊपर, टेम्परेचर क्या हो रहा है कम, 59, 58, 57, 56। कंडेंस कौन करेगा पहले? जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो, वो ऑलरेडी भाई साहब अपने बॉइलिंग पॉइंट से दूर था, अब और दूर हो गया, तो बी पहले कंडेंस कर जाएगा। कंडेंस मीन वो फिर से लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में आके वो नीचे गिर जाएगा। पर कौन नीचे नहीं गिरेगा, क्योंकि अभी वो काफी गर्म है, तो वो इसको क्रॉस करके, ए इसको क्रॉस करके यहां आ जाएगा इस तरफ, ये ए आया नॉट बी। इसकी जो नेक होती है इसको बड़ी केयरफुली एडजस्ट किया जाता है, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, छोटी नेक वाले, बड़ी नेक वाले, उससे बड़ी नेक वाले, बहुत सारे, तो इसकी नेक की हाइट बड़ी केयरफुली एडजस्टेड होती है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ए क्रॉस करना चाहिए, बी क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर बी क्रॉस कर गया फिर तो इम्प्योर का इम्प्योर ही रह गया। वो काफी देर तक टेस्ट करते रहते हैं जब तक उन्हें प्रॉपर नेक नहीं मिल जाती, दे कीप चेंजिंग द ऑपरेटर्स टिल दे गेट द करेक्ट नेक। और कौन सा ऑपरेटर्स यूज किया जाता है, जो ए को तो पास होने दे बट बी को पास ना होने दे। अब ए उसको क्या कर गया, क्रॉस कर गया, क्रॉस करके ये बीच वाली पाइप से क्रॉस कर रहा है, उसके आसपास रनिंग वाटर है, पाइप के आसपास क्या घूम रहे हैं कि वो कंडेंस हो जाए, लिक्विड बन जाए, उसका टेम्परेचर कम हो जाए, एंड अल्टीमेटली यहां पे ए इकट्ठा हो जाए और यहां पे ए और बी है, कौन क्रॉस नहीं कर पाया, तो ए और बी क्या हो गए, सेपरेट। बोलिए समझ आया है? yes, पक्का? yes, दो लिक्विड मिक्स करने हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 30 डिग्री से ज्यादा हो, ए और बी मिक्स कर दिए, ए का बॉइलिंग पॉइंट 60, बी का 100। अब आप मुझे बताइए जब हीटिंग करेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, श्वेता जी ए और बी को हमने हीट किया, ए का बॉइलिंग पॉइंट 60, बी का 100,
पहले कौन बॉइल करेगा, सोच लो। ऊपर देखिए थर्मामीटर लगा हुआ दिख रहा है यहाँ तो, ए वाला बॉइल कर गया, ए वाला बॉइल कर गया। हाँ जी पीछे बिटिया प्रवीण बेटा, ए ए बॉइल कर गया है, अब वेपर किसके होंगे, ए के बी के। मैंने अभी बताया इवेपोरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स, वेपर्स दोनों के होंगे। हाँ जो बॉइल कर गया उसके वेपर ज्यादा, जो बॉइल नहीं किया उसके वेपर्स कम। तो ए के वेपर ज्यादा बन रहे हैं, बी के वेपर्स कम बन रहे हैं। वेपर बनेंगे, वेपर्स आर लाइटर तो वो ऊपर जाएंगे। कहाँ जा रहे हैं, नेक के थ्रू ऊपर जा रहे हैं। ये जो नेक है ये रेबेटरी फर्नेस की जो नेक है, इससे ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाने से क्या कम हो रहा है, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या कम हो रहा है, जब टेम्परेचर कम होगा पहले कौन कंडेंस होगा, कंडेंस मींस अगेन कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, क्योंकि बी बॉयल बी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, वो पहले अपने बॉइलिंग पॉइंट से दूर था, अब और दूर हो गया, ए भी कंडेंस होगा पर बी ज्यादा होगा, बी कंडेंस हो गया, बी कंडेंस हो गया, कंडेंस हो गया तो कंडेंस मीन्स अगेन वेपर कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, इट विल फॉल। बी ज्यादा गिर रहा है, ए कम गिर रहा है, तो बी गिर गया नीचे, अभी ए ऊपर जा रहा है, ए इसको क्रॉस करके इस तरफ आ जाएगा, बी नीचे आ चुका है, कंडेंस हो के नीचे आ चुका है। अब ये प्रोसेस चलता रहेगा, ए सारा क्रॉस कर जाएगा, धीरे 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 क्रॉस करता जाएगा, बी क्रॉस नहीं कर पाएगा, दैट इज अ वे वी सेपरेटेड। और जब ये यहां से निकल रहा है तो इसके आसपास पाइप के आसपास क्या है, पानी है, पानी इसको क्या कर रहा है कि भैया वेपर से फिर से किस फॉर्म में आ जा, ये ना हो ना यहां से उड़ने की ट्राई करने लग पड़े, भागने की जगह तो नहीं है, बट हम उसको वेपर फॉर्म में कलेक्ट नहीं कर रहे, हम उसको लिक्विड फॉर्म में कलेक्ट कर रहे। तो लिक्विड फॉर्म में वो क्या हो जाएगा, कंडेंस होके कलेक्ट हो जाएगा। बोलिए समझ आया है, हाँ है ना। डिस्टिलेशन इज प्रेफर्ड फॉर दोज दोज सॉल्युबल लिक्विड्स, सॉल्युबल लिक्विड्स हुज बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस, हुज बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस इज मोर देन 30 डिग्री। इज मोर देन 30 डिग्री, फुल स्टॉप। ये नेक्स्ट टाइम में लिख लो, द लिक्विड इज बॉइल्ड इन आरबी फ्लास्क फ्लास्क, आरबी फ्लास्क कॉमा, द सल्यूट, द सल्यूट विद लोअर लोअर बॉइलिंग पॉइंट
evaporate more and passes through neck through RB flask. The liquid with higher boiling point, unable to cross, RB flask. Due to condensation. So the liquid with lower boiling point, will be collected on other side and purification is achieved. Purification is achieved. बोली क्लियर हो गया आई आई अब है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अब ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है बच्चे? बाकी सब तो ये ठीक है. अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उन दो लिक्विड्स के अंदर यूज की जाती है जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस काफी कम. यू कैन सी बिटवीन 5 डिग्री टू 30 डिग्री. जिनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस कितना है? 5 डिग्री टू 30. अब क्या होगा समझो. मान लो ए का बॉइलिंग पॉइंट है 95, बी का है 100. ये 95 डिग्री सी है. अब ये फिर वही बात, हम इसको हीट करेंगे. हम 95 डिग्री तक हीट करेंगे. जब हमने इसको 95 डिग्री तक हीट किया आप सुन नहीं रहे. अब आपकी बारी है. फिर से आपने ए और बी को हीट किया 95 डिग्री तक ले गए. कौन बॉइल करेगा? ए बॉइल कर गया. वेपर किसके बनेंगे? दोनों के जब वेपर्स बनेंगे तो नेक में जाएंगे. अब ये एक नॉर्मल नेक नहीं है, ये एक स्पेशल नेक है. नॉर्मल नेक में तो तब होती है जब बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस 30 डिग्री से ज्यादा. अब 5 डिग्री. तो इसमें हमने ये देखो कुछ ऑब्स्टेकल्स लगाए हुए हैं. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम विद पैकिंग, ये आप ऐसे समझिए जैसे बंटे पड़े हुए, यू नो ग्लास बॉल्स. अगर हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं या इस तरह की ट्यूब लेते हैं, उसमें बंटे डाल देते हैं. बंटों का साइज इतना बड़ा है कि वो नीचे से ना निकल जाए, तो वो बंटे उसमें फंस गए.
अब बंटे क्या बंटों में गैप होगा, ग्लास बॉल्स में गैप होगा, यस और नो? ऐसे इनके अंदर भी गैप्स है, अब इनके अंदर भी गैप्स है। अब वेपर जा रहे हैं, वेपर कहां से जा रहे हैं, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? नीचे से ऊपर, ऐसे जा रहे हैं। अब जगह जगह से वो वेपर उन ग्लास बॉल से टकराएंगे, टकराएंगे ग्लास बॉल से, ठंडी वेपर है गर्म, वेपर्स अपना टेम्परेचर लूज करेंगे। क्या करेंगे? पर अभी उनका टेम्परेचर काफी ज्यादा है, तो साइड की खाली जगह से फिर ऊपर जाएंगे, ग्लास बॉल्स के साइड पे जगह बची हुई है। ग्लास बॉल्स जब बंटे तुमने लगाए, बीच में गैप्स हैं, क्या हैं? अब वो उन गैप से फिर ऊपर जाने जाएंगे, ऊपर और ग्लास बॉल्स हैं, फिर टकराएंगे, फिर साइड से होके निकलेंगे, फिर टकराएंगे। दे कीप कोलाइडिंग एंड वेन एवर दे कोलाइड दे लूज एनर्जी, दे लूज टेम्परेचर, दे लूज एनर्जी, दे लूज टेम्परेचर। दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूज टिल दे कंडेंस, टिल दे कंडेंस। हु विल कंडेंस फर्स्ट? बी। हुज बॉइलिंग पॉइंट इज मोर? And the height of the neck is adjusted very carefully so that B will not cross, A will cross. And when A will cross, it will be collected on the other side. B unable to cross, process chahe slow ho jaye, process chahe slow ho jaye, par aisa na ho ki B cross ho jaye. इसका बड़ा ध्यान रखा जाता। अब ए क्रॉस कर जाएगा, बी क्रॉस, इस प्रोसेस को क्या बोला गया? अब जब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझा रहा हूं, जब विस्की बनाई जाती है, तो डोंट लाफ, बायो पढ़ रहे हो तो रिप्रोडक्शन आएगा, तो वो आपका टॉपिक है। जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो अल्कोहल आएगा, प्लस टू में तो चैप्टर है अल्कोहल, फिर क्या करोगे? तो अब आप साइंस के स्टूडेंट हो, उसको एग्जांपल समझना पड़ेगा, ये हमारी नीड है आज की। तो जब इंडस्ट्री में अल्कोहल बनती है तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल दोनों बन जाते हैं। प्लीज खड़े हुई, इथाइल नहीं मतलब अटेंशन नहीं तो दीजिए। अब हमने इंडस्ट्री में मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल दोनों बनाए, फर्मेंटेशन की, भैया दोनों अल्कोहल बन गई, इथाइल भी बन गई, मिथाइल भी बन गई। अब उनको सेपरेट करना है, तो इंडस्ट्री में बड़ी केयरफुली उन्हें सेपरेट किया जाता, बिकॉज इथाइल अल्कोहल इज यूज फॉर ड्रिंकिंग, मिथाइल अल्कोहल इज नॉट यूज फॉर ड्रिंकिंग, इट इज पॉइजनस। तो बड़ी केयरफुली सेपरेट करके हंड्रेड्स ऑफ टेस्ट लगाने के बाद उसको बॉटल्स में फिल करके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक होती है देसी शराब, कुछ गांव में पिंडा देसी शराब बनती है, अब वो भी इथाइल और मिथाइल को अलग करते हैं, पर उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, वो रोज करते हैं, करते रहे करते रहे करते रहे, 100 में एक बार गलती हो गई, 100 में एक बार गलती हो गई, इथाइल और मिथाइल प्रॉपरली सेपरेट नहीं हुए, नेक गलत एडजस्ट हो गई, अंदाजा है ना, टेस्ट हो नहीं रहा। अब नेक उस दिन गलती से गलत एडजस्ट हो गई, या इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कोई भी आ गई, वॉट एवर, ओवर ईटिंग हो गई, वॉट एवर। अब उस दिन क्या होगा, उस दिन इथाइल के साथ मिथाइल भी क्रॉस हो जाएगी, और जब वो इथाइल के साथ मिथाइल क्रॉस हो जाएगी, अब पीने वाले को तो नहीं पता इथाइल थी कि मिथाइल थी, वो तो पी गया, और फिर उस दिन अगले दिन हेडलाइंस आती है, आज देसी शराब पी के 30 लोग मर गए, 50 लोग मर गए, क्योंकि उस दिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अच्छे से नहीं हुई, लोकल हो रही थी, इंडस्ट्री में थोड़ी हो रही थी।
ये रियल प्रैक्टिकल लाइफ में चीजें यूज होती है. इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, देर आर सो मेनी टेस्ट टू चेक वेदर इट इज इथाइल और एक्सेप्ट ड्रिंकिंग, बिना ड्रिंक के टेस्ट करना. जबकि गांव के अंदर वो लैब्स नहीं है कि वो इथाइल और मिथाइल को चेक कर पाए. वो तो कह रहे हैं 100 दिन से ठीक हो रही है तो 101 दिन भी ठीक ही बनेगी. पर ह्यूमन एरर, एनवायरमेंटल एरर, कोई भी एरर हुआ उस दिन इथाइल के साथ क्या हो गया, भैया कोई बात नहीं, हैंडलिंग बंदे. बोलिए क्या आपको प्रोसेस समझ आया है? फिर से ए और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहाँ लगाई जाती है? जहां पे बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस लेस देन 30 डिग्री, इट कैन बी अप टू 5. अब आपने ए और बी को बॉइल किया, बॉइल किया तो क्या हुआ, पेपर बने. किसके किसके ज्यादा? व्हाट आर द यूज ऑफ ग्लास बॉल्स? जब वेपर जाके टकराएंगे दे लूज देयर काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज टेम्परेचर, बट स्टिल दे आर इन वेपर स्टेट. तो वेपर्स विल फाइंड द पाथ फ्रॉम द साइडवेज. साइड से जब निकलेंगे फिर ऊपर क्या टकराएंगे, वेपर्स. वेपर किससे टकराएंगे? ग्लास बॉल से. दे कीप कोलाइडिंग टिल वन ऑफ देम गेट कंडेंस. हु इज दैट वन? B will condense, but A has lesser boiling point, so A will cross, B unable to cross. फिर वहां से कूलिंग करके उसको अलग कर लिया गया, कूलिंग करके उसको अलग कर लिया गया, and this is the way they separate out. But the neck is very carefully adjusted, क्योंकि सारी गेम neck की है. अगर neck गलत हो गई या तो दोनों ही क्रॉस नहीं करेंगे या दोनों भी क्रॉस कर सकते हैं. तो नेक की हाइट इस हिसाब से लेनी है कि ए क्रॉस हो जाए और बी क्रॉस. बोलिए समझ आया है? डिस्टिलेशन, अच्छा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज प्रेफर्ड. Fractional distillation is preferred for those soluble liquids whose boiling point difference is between 5 degree to 30 degree. In this process, a special partial obstacles are introduced in RB flask neck so that whenever vapor passes through it, they collide with obstacles loses their kinetic energy as well as temperature. Loses kinetic energy and temperature.
The neck is very carefully adjusted. The neck is very carefully adjusted so that the liquid with lower boiling point, the liquid with lower boiling point crosses the neck, crosses the neck, and collected on other side, collected on other side. Listen, इसमें मेरा फोकस अभी सिर्फ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पे था. आपके साथ आपको इसके साथ साथ डिस्टिलेशन के भी कुछ लाइनें लिखनी है. वो तो रहेगा रहेगा, बॉइलिंग की, वो हीट कर गया. इसमें एडिशनल चीज क्या आ गई? ऑब्स्टेकल्स इन द नेक. बात समझ आई है? अब बिडिया का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें ऑयल बाथ क्यों रखा गया. हमारे क्लास के बीच में शिवेन जी बैठे हुए हैं, पहले हम शिवेन जी के पास चलते हैं. शिवेन जी, what is oil bath and what is the use of oil bath? तुमने तो आर्टिकल पढ़ लिया. पढ़ा आर्टिकल क्या? नहीं सर, की डिस्कशन मेरे साथ क्रोमेटोग्राफी पे चल रही थी. क्रोमेटोग्राफी से अगला आर्टिकल है, मुझे लगा ये भी पढ़ लिया. चलो नहीं, से पूछ लेते हैं. एनीबडी, व्हाट इज ऑयल बाथ? सुनिए, पहली बात, ऑयल बाथ का ऑयल से कोई लेना देना नहीं. ऑयल बाथ का ऑयल से कोई भी लेना देना नहीं. ये मिसकंसेप्शन वर्ड्स होते हैं. अब जैसे एक वर्ड होता है, एक अलॉय है, HORN, हॉर्न सिल्वर. हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता. हॉर्न सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता. तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो नाम से मैच नहीं करती. बिल्कुल सर ने बिल्कुल सही बोला. चिकन मोमोज में सिर्फ चिकन नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है. तो अब जैसे पाइन एप्पल में एप्पल नहीं होता. चलिए, मीडिया के पास मेरे से ज्यादा एग्जांपल है. कहते हैं मोती चोर लड्डू में मोती नहीं, मोती नहीं होते. मीडिया एक हिंदी के अच्छे टीचर बन सकते हैं. बैठे बायो की क्लास में मेडिकल. प्लीज सर, ऑयल बात का ऑयल से कोई लेना देना नहीं. होता क्या है, ये जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है. ये प्रोसेस, अल्कोहल इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. तो ये जनरली ऑर्गेनिक के लिए यूज होता है. ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है, कई बार डायरेक्ट हीटिंग से चीज टूट जाती, तो उसे इनडायरेक्टली हीट किया जाता है. डायरेक्ट हीटिंग से वो चीज टूट जाती है, तो उसको इनडायरेक्टली हीट किया जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे आपने अभी मोमोज का नाम लिया, तो मोमोज को डायरेक्ट पानी में डाल के बॉईल नहीं किया जाता, क्योंकि वो डायरेक्ट पानी में डाल के बॉईल करोगे तो टूट जाएंगे. इडली है, इडली को आप डायरेक्टली पानी में डाल के हीट नहीं करते.
आप स्टीम से उसे इनडायरेक्टली हीट करते हैं, तो सेम ऑयल बाथ का मतलब है इसमें पानी डाला हुआ है, आप नीचे से हीट कर रहे हो, पानी जब गर्म होगा तो लिक्विड को हर तरफ से हीट करेगा, बात को समझो। अगर हम ऑयल बाथ नहीं लगाते तो हीटिंग सिर्फ नीचे से मिलती, तो नीचे का कुछ एरिया, फॉर एग्जाम्पल दिस एरिया विल बी मोर हीटेड, यस और नो? यस सर। इट इज अ डायरेक्ट हीटिंग ऑन सम स्मॉल स्पेस, ड्यू टू दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड डीकम्पोजेस, सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड डीकम्पोजेस ऑन हीटिंग, डायरेक्ट हीटिंग। बात समझ आ रही है? ऑयल बाथ का बेनिफिट क्या है? ऑयल बाथ का ये बेनिफिट है कि कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड डायरेक्ट हीटिंग से ही डीकम्पोज हो, तो जब हम ऑयल बाथ करते हैं तो उसके नीचे पानी, पहले पानी इक्वली गर्म होगा और धीरे धीरे लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएगा जिससे वो डीकम्पोज नहीं, क्या नहीं होगा? एग्जाम्पल के तौर पे आपके पैर पे चोट लग गई, डॉक्टर कहता है इसको हीटिंग प्रोवाइड करिए, चोट लग जाती है, पैर दुख रहे होते हैं, तो कहते हैं हीटिंग प्रोवाइड करिए। आप वाटर बॉटल लेते हैं जो रबड़ में होती है, क्या कहते हैं उसे? हॉट वाटर बैग। हॉट वाटर बैग, हॉट वाटर बैग लेते हैं आप, उसमें गर्म पानी डाल देते हैं, स्लोली स्लोली लगा के जब उसका टेम्परेचर बॉडी के लगाने के लायक हो जाता है तो अब आप उसको हीटिंग प्रोवाइड करते हैं, यस और नो? वो इनडायरेक्ट हीटिंग, आपको डॉक्टर ने कहा हीटिंग प्रोवाइड करो, कैन यू पुट योर लेग ऑन अ फायर प्रोवाइडिंग हीट नाउ? या नाउ इट इज ओके, यू प्रोवाइड डायरेक्ट हीटिंग, नो, यू प्रोवाइड व्हाट? यू प्रोवाइड इनडायरेक्ट हीटिंग। समटाइम डायरेक्ट हीटिंग इज डेंजरस, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड दे डीकंपोजेस, सो वी आर प्रोवाइडिंग इनडायरेक्ट हीटिंग, गॉट द पॉइंट? व्हाई in some cases oil bath is required? Oil bath doesn't mean it contain oil, it generally contain water, and it is a, you can say it is a indirect heating. On direct heating it, due to direct heating organic compound get decomposed, so we are providing indirect heating. You got the point? Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Right, on note, oil bath means providing indirect heating oil bath is an indirect heating through water or any other liquid. Because some organic compound decompose. Can you repeat? मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑयल बाथ मींस हीटिंग ऑफ अ, ऑयल बाथ मींस प्रोवाइडिंग इनडायरेक्ट हीटिंग थ्रू वाटर और एनी अदर लिक्विड एज सम ऑर्गेनिक कंपाउंड डीकंपोजेस On direct heating. Clear? नीचे लिखो, even sand
can also be used in some cases. In some cases. आपने देखा होगा जो गली में पॉपकॉर्न बेचने वाले आते हैं वो सैंड को इनडायरेक्ट हीटिंग के लिए यूज करते हैं। अब वो पॉपकॉर्न डायरेक्ट हीट नहीं कर रहे थे, वो सैंड के थ्रू कर रहे थे। तो समटाइम डायरेक्ट हीटिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें देखिए, ये अलग अलग देखिए, आपको दिख रहा होगा सामने, ये ग्लास बीड्स हैं। ग्लास बीड्स इज व्हाट बंटे, वेयर एज ऑन अदर साइड बबल प्लेट कॉलम कहते हैं इसे। इस तरह की प्लेट्स जनरली पेट्रोलियम में यूज होती है। क्रूड ऑयल होता है, यू नो क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में बहुत कुछ है, कैरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है, नाफ्थलीन है, बहुत कुछ है। अब क्रूड ऑयल में क्या होता है, ऐसे बहुत सारे कॉलम्स हैं, थोड़े थोड़े डिफरेंस कॉलम पे क्या रखा हुआ है, आउटलेट्स रखी हुई है। वहां एक आउटलेट नहीं है, वहां मे बी 10 मे बी 20 मे बी 50 कॉलम्स है। वो 50 अलग अलग चीजें निकालते हैं, पैराफिन हो गया, वैक्स, वो अलग अलग चीजें निकालते हैं। अब जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, जो उनका मेजर काम था वो ये था, वो क्या करते थे, क्रूड ऑयल लेते थे, क्रूड ऑयल में से अलग अलग चीजें निकालते, वो फिर बबल कॉलम प्लेट यूज करते, मतलब तो उसका एडवांस वर्जन हो गया उनके पास। तो उनकी एक्सपर्टाइज इसमें थी। बोलिए, समझ आया है, ड्रॉ करना चाहते हैं कि ओके है? यस सर, इज आई थिंक ओके। ये डायग्राम बना लेंगे, मैं इसके डायग्राम्स आपको ग्रुप में डाल देता हूँ। नेक्स्ट है, राइट डाउन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, अब इसमें क्या होता है सुनिए। ये डायग्राम है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर का। अब इसमें ये टेक्निक तब यूज की जाती है जब बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो और डीकंपोजिशन पॉइंट कम हो। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे ए को सेपरेट करने, ए का बॉइलिंग पॉइंट है लेट इट बी 300 बॉइलिंग, और जबकि ए का डीकंपोजिशन पॉइंट है 200 डिग्री, ये उसका डीकंपोजिशन पॉइंट है। अब मुझे ए को सेपरेट करना है पर वो बॉइल हो ही नहीं पा रहा, बॉइलिंग होनी थी 300 पे, डीकंपोज कितने पे हो गया, अब वो बॉइल करने से पहले डीकंपोज हो जाए। तो यहां पे मुझे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर चाहिए।
अब इसमें क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन है, राइट, बॉइलिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इज दैट पॉइंट व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इक्वल्स टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, when a vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure equals to atmospheric pressure, atmospheric pressure. अब बात को सुनिए, अगर हम पतीले के अंदर कोई भी कढ़ाई कह लो, पतीला कह लो, इट्स ओपन कंटेनर में जब हम खाना बनाते हैं, क्योंकि वो ओपन है तो पानी बॉईल करता है 100 डिग्री पे, पानी जब 100 डिग्री पे बॉईल करता है तो खाने को हीट भी कितनी मिलती है, 100 डिग्री, तो खाना 100 डिग्री के हिसाब से तैयार होता है. जबकि प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर ऊपर से बंद होता है, वो इस तरह एरोडायनामिकली बनाया होता है कि अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाए, एटमोस्फेरिक प्रेशर से भी प्रेशर ज्यादा हो. अब अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया, अब बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर बढ़ा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा. अब बॉइलिंग पॉइंट हो गया 130 डिग्री, पहला पानी कितने पे बॉइल कर रहा था, बेटा पानी बॉयल हो गया, आप जितना मर्जी हीट करते रहो 100 भी रहेगी, आपने पानी बॉयल कर दिया, आप गैस जितनी मर्जी तेज कर 100 डिग्री रहेगी. पर प्रेशर कुकर में क्योंकि प्रेशर ज्यादा था, जब प्रेशर ज्यादा होता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है. अब बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 130 डिग्री. अब पानी कितने में बॉइल कर रहा है, 130 पे, तो खाने को हीट भी कितनी मिल रही है, 130 डिग्री, और 130 डिग्री मिल रही है तो खाना जल्दी बने, पहले 100 डिग्री पे बन रहा था, 130 डिग्री पे बन, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है. कई बार पेरेंट्स कहते हैं, अब चीज बॉईल करके गैस के नोजल स्लो कर दो. उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से देखा कि गैस के नॉब तेज रहे या स्लो रहे, खाना उतने में बन रहा है. क्यों? पानी बॉइल कर चुके. तुम ज्यादा बॉइल करोगे, ज्यादा हीटिंग दोगे तो भी 100 डिग्री, कम हीटिंग दोगे तो भी 100 डिग्री. तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से सीख लिया कि भैया सब्जी को बनने में 15 मिनट लगने, चाहे नॉब स्लो या तेज हो. तुम्हें भूख लगी होती, तुम कहते नहीं गैस की नॉब तेज कर दो, जल्दी बनेगा. भैया वंस बॉइलिंग स्टार्टेड, तुम गैस की नॉब तेज रखो या स्लो रखो, अगर बॉइल हो रहा है टाइम सेव लगना. तो जनरली मदर को पता होता है कि एक बार बॉइलिंग शुरू हो गई तो गैस की नॉब क्या कर दो, क्योंकि उन्होंने बड़ी बार एक्सपेरिमेंट किया, टाइम उतना ही लग रहा है तो गैस क्यों वेस्ट करनी, उसको कर ले आफ्टर बॉइलिंग. प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन रहा है, प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी बन रहा है, प्रेशर कुकर में प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो खाना जल्दी बन रहा है. अब गए माउंटेन्स पे, पहाड़ों में, शिमला, मसूरी, पहाड़ों में प्रेशर कम होता है, पहाड़ों में प्रेशर हाइट ज्यादा है, प्रेशर कम होगा. अब वहां पानी 100 डिग्री पे बॉइल नहीं करता, वो 80 डिग्री पे बॉइल कर जाएगा. अब 80 डिग्री पे बॉइल कर गया तो बॉइलिंग ऑफ वाटर टेक प्लेस एट 80 डिग्री, खाने को हीट कितनी मिलेगी, 80 डिग्री. अब उन्हें बनाने में बड़ा टाइम लगेगा. पहाड़ों में खाना इसलिए देरी से नहीं बनता कि पानी ठंडा है या मौसम ठंडा है, वहां
प्रेशर कम है तो बॉलिंग पॉइंट कम हो गया। प्रेशर ज्यादा होगा तो बॉलिंग पॉइंट ज्यादा, प्रेशर कम होगा तो बॉलिंग पॉइंट कम। वहां पे प्रेशर क्या हो गया है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो गया है, खाने को हीट कम मिल रही है, वो बनने में ज्यादा टाइम लगेगा, तो वहां तो लोग और भी ज्यादा प्रेशर कुकर प्रेफर करते हैं, क्योंकि भैया वैसे 80 डिग्री पे बनना है, 130 डिग्री पे बनना है, उन्हें तो और भी फायदा होता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो यू गॉट व्हाई इन प्रेशर कुकर द खाना बिकम अर्ली। आज के बाद जब भी खाना बनाना हो, तुमने पता नहीं शादी के बाद कौन बनाएगा, तो बनाना किसमें बड़ा बड़ी जल्दी सीख खाएगा या बनाएगा? पहली रेडी खाना तो है ही, सबने खाना बनाने के लिए रेडी। रेज योर हैंड, ही इज रेडी टू हैंडल द किचन। इफ समबडी इज इंटरेस्टेड कॉन्टेक्ट हिम, ही एग्रीड आफ्टर मैरिज ही विल मेक द फूड। आर यू ओके विद दैट? पर अगर गलत नहीं रखी तो तूने उम्मीद डाल दी है, फिर बनाना पड़ेगा तुझे। आप तो पीछे भी है, कुछ फीलिंग तो पीछे भी आई है, आई है। बोलिए, समझ आ गया है? अब बॉइलिंग पॉइंट कितना है? बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 300 डिग्री। डीकम्पोजिशन पॉइंट कितना है? अब वो चीज बॉयल होने से पहले ही डीकम्पोज होने वाली। अब हम यहां पे क्या करेंगे, प्रेशर कम कर देंगे। प्रेशर कम करेंगे तो क्या कम हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। हम इतना प्रेशर कम कर देंगे कि बॉइलिंग पॉइंट 150 हो जाएगा। कितना हो जाए? 150 हो गया। बट डीकम्पोजिशन पॉइंट तो अभी भी क्या है? 200। अब वो चीज बॉइल तो करेगी, बट तो जब भी हमें पता चल जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और डीकम्पोजिशन पॉइंट कम है, तो उस केस में हमें एक स्पेशल टेक्निक लगानी पड़ती है। क्या? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। वहां पे हमने प्रेशर क्या कर दिया है, उसका फायदा। अब वो चीज बॉइल तो करेगी, बट उस समझ आ रहा है, मेंटल सेटअप से बाहर आओ प्रेशर कुकर से, इसको समझो जो मैंने समझाया था। राइट, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, क्लियर था? इसमें बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखी थी हमने। अब लिखो नोट, NOT, नोट। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इफ एटमोस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। इफ एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। नीचे लिखो, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर इज प्रेफर्ड, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर इज प्रेफर्ड। फॉर दोज कंपाउंड्स, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर इज प्रेफर्ड फॉर दोज compounds which has higher boiling point
which has higher boiling point, then their decomposition point, then their decomposition point. Then their decomposition point. Yes. Then their decomposition. Next time we go. The pressure is reduced. The pressure is reduced the pressure is reduced externally the pressure is reduced externally the pressure is reduced externally to decrease the boiling point below its decomposition point below its decomposition point. Below its decomposition. बाकी सारा प्रोसेस सेम है. इस पे फोकस करना है. स्टार वार लगा के टीचर को ये समझाना है, ड्राइंग करना है. आगे तुम्हें डिस्कशन आती है. वैसे वो पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन डालता है, व्हाई व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर देन नॉर्मल डिस्टिलेशन. व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अंडर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वर्सेस नॉर्मल डिस्टिलेशन. वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देगा. बोलिए समझ आया है? यस और नो? अब ये देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 18 देखिए. गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टलाइजेशन एंड अभिक्रमणोग्राफी पे आना है. वो सबसे छोटी है, जल्दी हो जाएगी. उसके बाद देखिए 19th, डिस्क्राइब द मेथड विच कैन बी यूज टू सेपरेट टू कंपाउंड विद डिफरेंट सॉलिबिलिटी इन अ सॉल्वेंट. ये भी आएगा, अगला आर्टिकल है, आगे आ रहा है. उसके बाद देखिए क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर एंड स्टीम डिस्टिलेशन. स्टीम डिस्टिलेशन भी वही है, डायरेक्ट हीटिंग से वो डिकम्पोज कर रहा है, हमने उसको स्टीम से हीट किया. कैसे हीट किया? एक साइड पे स्टीम बना ली, स्टीम उसके अंदर डाली, स्टीम से बॉइल किया. सर जैसे कॉफी नहीं पीते, कॉफी में वो स्टीम से करते हैं. मोमोज में आप डायरेक्ट हीटिंग नहीं करते, क्या करते हैं आप? स्टीम हीटिंग करते हैं. इडलीज में जब इडली बनाते हो, आप डायरेक्ट पानी में रख के उसे बॉइल नहीं करते, किससे हीट करते हो? स्टीम हीटिंग कर रहे हैं. तो कुछ कंपाउंड क्या होते हैं? डायरेक्ट हीटिंग से डिकम्पोज होते हैं. फिर उनके लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं. किसी केस में ऑयल बाथ यूज होगा, किसी केस में स्टीम यूज होगी. और डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर कब होगा? जब उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो और डिकम्पोजिशन पॉइंट प्रेशर कम करके हम क्या करेंगे? बॉइलिंग पॉइंट किससे नीचे ले आएंगे? डिकम्पोजिशन. आप समझ आ रहा है? टीचर डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बना के डालता. अभी आगे आएगा, अभी हम ये वाला पार्ट कर रहे हैं. बोलिए क्लियर है यहाँ तक? आइए अब हम आगे चलते हैं. ये स्टीम डिस्टिलेशन वाला भी कंसेप्ट क्लियर हो गया. अभी देखिए ये है स्टीम डिस्टिलेशन वाला. वैसे आप कहेंगे कि डायरेक्ट हीटिंग कर रहे हैं, आप ये नीचे वाला हटा दीजिए. आप इसको ऐसे में देखिए, इसको ऐसे देखिए.
अब आपको ज्यादा समझ आएगा कि वो क्या कर रहा है। अब क्या किया, अब उसने किससे हिट किया, एक साइड पे स्टीम हिटिंग की, स्टीम को दूसरे कंटेनर में लेके गया, उससे हिटिंग। बात समझ आ रही है? यस और नो? चले आगे। आइए अब हम करने लगे हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। लेसन ये दो तरह से यूज होती है। चलिए सोच रहा हूँ, अब सुनिए। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन में क्या हो रहा है, ये दो तरह से यूज होती है। मान लीजिए आपने दो दो लिक्विड ली, दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर एंड ऑयल, वाटर एंड जब आप उसको ऐसे किसी कंटेनर में डालोगे, वाटर एंड ऑयल दो सेपरेट लेयर्स में चले जाएंगे ऑटोमेटिकली, एक नीचे आ जाएगा दूसरा ऊपर आ जाएगा। कौन सा ऊपर आता है? चलो मान लेते हैं वाटर ऊपर, क्या चलो हमने आपकी बात मान ली, ऑयल ऊपर आ गया। जनरली ऑयल आता है बट डेंसिटी पे डिपेंड, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे, जिसकी डेंसिटी कोई ऐसा ऑयल हो जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो तो ऑयल भी नीचे आ सकता है। तो चलो डेंसिटी के हिसाब से आगे, यहाँ पे नीचे नोजल लगी हुई है, यू कैन सी दिस नोजल। हम इस नोजल को ओपन करेंगे, हम इस नोजल को ओपन करेंगे, ड्रॉप वाइज गिरता रहेगा, जब वो खत्म हो जाएगा उसको हम बंद कर देंगे। दैट इज द वे वी कैन सेपरेट। ये तब होता है जब वो इमिसिबल, जब वो इमिसिबल तब ये वाली टेक्निक यूज होती है। दूसरा होता है वो मिसिबल हो, ए और बी आपस में डिसॉल्व हो गए, अब उन्हें हमें उन्हें सेपरेट करना है। अब हम एक ऐसी चीज ढूंढेंगे, नहीं ए और बी आपस में डिसॉल्व हुए, अब डिसॉल्व हुए तो ये अलग नहीं हो सकते। अब हमें ऐसी चीज ढूंढनी पड़ेगी जो ए और बी में डाली जाए, सी जो अपने साथ या तो ए को डिसॉल्व कर ले या बी को डिसॉल्व कर ले। ए और बी ऑलरेडी डिसॉल्व थे, अब उनको सेपरेट हम नहीं कर पा रहे, हमने क्या किया, एक नया सब्सटेंस लेके आए सी। सी ने क्या किया, जब हमने डाला तो उसने ए को डिसॉल्व कर लिया। किसको डिसॉल्व कर लिया? ए। अब उसने ए को डिसॉल्व कर लिया, ए और सी ने मिलके कंपाउंड बना लिया या डिसॉल्व हो गए, बी बेचारा अनडिसॉल्व बच गया। अब बी को हम सेपरेट आउट कर लेंगे, लेटर ऑन सी और ए में कोई और चीज डालेंगे जिससे जिससे वो आपको ए भी मिल जाएगा। दैट इज अ वे वी कैन सेपरेट इट। बात समझ आ रही है? एक और एग्जांपल लेता हूँ, प्लीज सर दोनों खड़े हो जाएंगे, सर आप भी पनीजी एंड साथ में, चलिए दोनों चलिए। मान लीजिए दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, हो दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, अब जहां भी जाते हैं इकट्ठे जाते हैं, दे आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब कार्तिक जी आ गए, कार्तिक जी सर, कार्तिक जी ने क्या किया, पनी जी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया, पर गुरजपन जी को नहीं बनाया। अब जाते इकट्ठे थे बट कार्तिक जी ने क्या किया, पनी जी से एक स्पेशल बॉन्डिंग क्रिएट कर ली। अब कार्तिक जी का, कार्तिक है ना, कार्तिक जी का बर्थडे आया, कार्तिक जी ने बड़े सफाई से पनी जी को कहा मेरे एक बर्थडे पे आ जाइए, पर गुरजपन जी को इनवाइट नहीं किया। अब वो क्या हो गए, वो कहता मैंने तो जाना है,
वो कहता है यार मुझे तो बुलाया नहीं, कहता तुम बच्चा। अब वो क्या हो गए सेपरेट। दैट इज अ वे अ थर्ड सॉल्वेंट कैन सेपरेट ए एंड बी। वो समझ आया है? यस और नो? समय आ गया सर? डोंट टेक पर्सनल यार, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बैठ जाइए। सर बात समझ आई है? अक्सर दो फ्रेंड्स होते हैं, कोई नया पर्सन ग्रुप में ऐड हो जाता है, वो दोनों में लड़ाई करवा सकता है। मैं इसका मतलब ये नहीं कहता कि थर्ड बंदे को ऐड ना करूं, बट इन सम टाइम इट हैपेंस। तो दैट इज व्हाट, दैट इज व्हाट डिफरेंशियल। वो समझ आ गया है? आइए लिखते हैं इसको, डायग्राम बना लो, बना लीजिए। अब सुनिए, लिखो डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। इन डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन ए एंड बी आर सॉल्युबल इन ईच अदर, ए एंड बी आर सॉल्युबल इन ईच अदर। A third liquid C is added. C is added. A third liquid C is added in such a manner C can dissolve. Either A or B. Suppose A is soluble in C. We can easily separate B. B through differential extraction. Clear? बोलिए समझ आ गया है? Okay. अब है क्रोमैटोग्राफ। क्रोमैटोग्राफी क्रोमैटोग्राफी आवाज नहीं, बेटा क्रोमेटोग्राफी कई तरह की होती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, कॉलम थिन कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है, कई तरह की होती। मैं आपको अलग अलग पहले पेपर क्रोमेटोग्राफी समझा रहा हूँ वो क्या होती है। बेटा पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, आपने एक पेपर की स्ट्रिप ली, एग्जांपल के तौर पे ऐसे आपने एक पेपर की स्ट्रिप ले ली, ये आपने एक ऐसे एक पेपर ले ली,
ये पेपर, इसके ऊपर एक केमिकल लगा हुआ, अज्यूम कर रहे हैं इस पे एक केमिकल लगा हुआ, जैसे आजकल तो जब डायबिटिक है ना उनके लिए ब्लड सैंपल वाली आ गई, क्या ब्लड से डायरेक्टली चेक कर सकते हो, पहले ऐसा नहीं होता। पहले क्या होता था, इस तरह की स्ट्रिप्स आती थी, स्ट्रिप पे केमिकल लगा हुआ था, क्या लगा हुआ था केमिकल, उन्हें बोला जाता था, पेशेंट को बोलते थे कि अपने यूरिन में इसको डिप करिए और इसको ड्राई करिए, ड्राई करने के बाद इसका कलर बदल जाएगा। एक मैनुअल लगा होता था उसी स्ट्रिप बॉक्स के पीछे, उसके साथ कलर मैच करिए, उस कलर से एक रेंज मिल जाती थी कि आपकी शुगर लेवल इतना। फिर से समझिए, पेपर की स्ट्रिप के ऊपर एक ऑलरेडी पहले केमिकल लगा हुआ, पेशेंट को क्या बोला जा रहा है कि आप यूरिन में इसको डिप करिए और ड्राई करिए, इसका कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा, उस कलर से आप देख पाएंगे कि शुगर लेवल कितना है। आपके प्रैक्टिकल्स भी हैं, यूनिवर्सल पीएच स्टेप्स यूज किए, वो भी सेम है, आपको इस तरह की स्ट्रिप्स दी होती है, उसके ऊपर ऑलरेडी केमिकल लगा हुआ होता है, आप किसी भी एसिड या बेस में उसको डिप करते हैं, वो अपना कलर चेंज कर लेता है, कलर का एक मैनुअल लगा होता है, आप उस मैनुअल में क्या देखते हैं, व्हाट इज द कलर, यू विल टेल दिस इज अ पीएच। तो दैट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी, दिस व्हाट, ये जो टेक्निक है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी। यहां पे हमने क्या यूज किया है, एक पेपर यूज कर लिया। बोलिए क्या आपको समझ आ गया है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, यस और नो? तो ये बहुत जगह यूज होती है। अब इसमें एक लिमिटेशन थी, लिमिटेशन ये थी, मान लीजिए कोई डायबिटिक है, वो अनकॉन्शियस है या उसका एक्सीडेंट हो गया, अब उसको हॉस्पिटल लेके गया जाया गया, अब डॉक्टर को ये नहीं पता इसका पीए, इसका शुगर लेवल कितना है, अब उसकी सर्जरी करेंगे, यूरिन अरेंज करें, अनकॉन्शियस है, यूरिन कैसे देगा वो, शुगर कैसे चेक होगी, कई बार फैमिली से कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा होता, कई बार फैमिली को भी पता नहीं होता, कई बार पर्सन को खुद ही नहीं पता होता मैं डायबिटिक हूं, तो उन केसेस में वो ऐसी मेडिसिन ना दे दें जिससे शुगर लेवल बढ़ जाए। तो लेटर उन्होंने पेपर क्रोमेटोग्राफी में डिफिकल्टी लगी, तो उन्होंने क्या कर दिया, ब्लड से पीएच निकालनी स्टार्ट कर दी, ब्लड में वो अपने चाहे अनकॉन्शियस हो अनकॉन्शियस हो, वो खुद ही ब्लड का एक डॉट लेके उसे क्या चेक कर लेते हैं, शुगर लेवल चेक कर लेते। तो क्रोमेटोग्राफी इज क्वाइट यूजफुल इन मेनी केसेस, दिस दीज आर वन टू एग्जांपल्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। You got chromatography? एक और भी होती है chromatography। अब एग्जाम्पल के तौर पे छोटे होते हुए आपको रेड इंक और ब्लू इंक मिक्स करके देते थे, जो वाला पेन होता है फाउंटेन पेन, पता नहीं आपको करवाया कि नहीं कराया, हमें तो करवाते होते थे, वो क्या करते थे, रेड इंक और ब्लू इंक को मिक्स कर देते थे और कहते थे इसमें पेपर डाल के डिप कर दीजिए, फिल्टर पेपर। अब वो कलर ना ब्लू कलर रेड कलर अलग अलग लेवल तक ऊपर आ जाता था, पेपर स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द इंक, अलग अलग लेवल बन जाते थे, रेड का अलग लेवल होता था, ब्लू का या ब्लैक का अलग लेवल होता, वो भी किसका एग्जाम्पल है, पेपर क्रोमेटोग्राफी किसका है, बोलिए समझ आया है,
समझ आया है ये कौन सी क्रोमेटोग्राफी है? क्रोमेटोग्राफी इज मेनली टू सेपरेट द सब्सटेंस. प्यूरिफिकेशन चल रहा है तो सेपरेट ही होगा. इट इज व्हाट सेपरेशन. और कलर्स जनरली ये कलर्स एक्सट्रैक्शन पे रहती है. किस पे रहती है? अब प्लांट्स होते हैं वहां से कलर एक्सट्रैक्ट करना नेचुरल कलर्स. अब होली खेलते हो, होली में आप सिंथेटिक कलर्स यूज करते हो विच आर क्वाइट हार्मफुल. अब वो आ गया कि आप प्लांट से कलर एब्जॉर्ब कर ले, निकाल ले. हाँ वो क्योंकि टेक्निक लग रही है तो कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, पर वो नेचुरल कलर्स हो क्या होंगे? क्लियर है सर? यहां तक समझ आ गया? चलिए आगे चलते हैं.